जय श्री राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है अलादीन मूवी के ऊपर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम अलादीन मूवी की कहानी के बारे में और उस पर छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अलादीन मूवी की कहानी के बारे में। तो अपने साथ पढ़ने वाली जैस्मिन यानी जैकलिन फर्नांडिस को अलादीन मन ही मन चाहने लगता है। अलादीन के जन्मदिन सभी दोस्त की तरह जैस्मिन भी उसे उपहार दे में लेप देती है, जिसे रगड़ने पर सूट बूट पहना, उम्रदराज और इंग्लिश बोलने वाला चीनी सामने आ जाता है। वह अलादीन की तीन ख्वाहिश पूरी करने के लिए कटिबद्ध है, ताकि रिटायर होकर लेप की गुलामी से आज़ाद हो। लेकिन अलादीन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से दो ख्वाहिश बर्बाद कर देता है। यहाँ तक फिल्म मनोरंजन है बांधे रखती है। बात बिगड़ना तब शुरू होती है जब अलादीन तीसरी ख्वाहिश सामने रखता है। वह चाहता है कि जैस्मिन उसे चाहने लगे, लेकिन जादू की मदद के बिना। जिन्न अपने तरीके से उसकी मदद करता है। अलादीन होठ हिलाता है तो पीछे से जिन्न गाता है। रिंग मास्टर के रूप में जब संजय दत्त के रोल को महत्व दिया जाता है तो फिल्म में बोरियत का प्रतिशत बढ़ जाता है। रिंग मास्टर कौन है, क्या है, उसका मकसद क्या है, इसको लेकर जो बातें फिल्म में बताई गई है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। न बच्चे समझ पाते हैं और न बड़े। अमिताभ बच्चन और संजय दत्त से ओवर एक्टिंग करवाई गई है, जिससे उनके किरदारों का प्रभाव कम हो गया है। रितेश देशमुख ने अपना काम बखूबी निभाया है। बहुत बहुत खूबसूरत जैकलिन फर्नांडिस को करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। विक्टन बैनर्जी, रत्ना पाठक शाह और मिस्टा वनिष्ठ जैसे उम्दा कलाकार के साथ न्याय नहीं किया गया। संगीत की बात की जाए तो कुछ गाने अच्छे हैं और कुछ बेहद साधारण। VFX इफेक्ट और फिल्म का